बंडू हिलसा के मलिकपुरा क्षेत्र में मुसलमानों ने पवित्र पैगंबर के अहंकार के खिलाफ विरोध किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फ्रांस के शैतान ने पवित्र पैगंबर का अपमान किया है, जिसे मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि कौन सा सभ्य व्यक्ति उन्हें मुसलमानों के सभ्य का अपमान करने की अनुमति देता है। यहाँ भिंसा ऐसे ही हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। प्रोटेस्ट इस मकसद के लिए किया गया क्योंकि फ्रांस के सदर ने जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून शाया किया और नाजेबा बातें की है, उसके खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट हुआ। और इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर ये एक पूरे आलम इस्लाम में फैसला लिया गया है कि फ्रांस की जो भी यहाँ पर चीज़ें होंगी उनका बायकॉट किया जाएगा और उनको पैरों के तले रौंदा जाएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जो पूरी दुनिया में उन्होंने जीने का तरीका सिखाया पूरी इंसानियत के लिए, उन्होंने किसी मुसलमान के लिए नहीं बल्कि अपने बाकी जो लोग पूरी दुनिया में वमा खलकतु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तमाम इंसानों के लिए ये हुक्म है कि वो अल्लाह की इबादत करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वहाँ जो मक्का में उनके यहूदी ईसाई वगैरह रहते थे उनके साथ उसने सुलूक किया, उनका एक गुलाम था जो उनको दिया गया था, हजरत खदीजा के भाई के लड़के ने उनको हजरत खदीजा को गुलाम पेश किया जो उनने खरीदा था। उसके बाद उन्होंने हजरत खदीजा ने वो गुलाम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर कर दिया, लेकिन उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हारिस जो उस गुलाम का जैद का बाप था वो वहाँ पर आया और उसके बाद उसका भाई काब आया, उन्होंने कहा कि ये गुलाम हमें ये लड़का हमें वापस दे दो। तो उन्होंने उस जैद से कहा कि तो आप जाओगे वापस, उन्होंने कहा मैं आज़ादी पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पसंद करता हूँ क्योंकि ये अमन पसंद है, ये हुस्न सुलूक करने वाले हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबे में जाकर ऐलान कर दिया कि जैद को मैं आज़ाद कर देता हूँ, लेकिन जैद ने अपने बाप के साथ जाने से इनकार किया। ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सुलूक अपने गुलामों के साथ, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ। तो यहाँ पर ये जो है इस फ्रांस के सदर ने जो यहाँ पर एक जालिमाना हरकत की है, इसमें पूरी दुनिया के मुसलमानों ने एहतजाज किया, यहाँ पर भी ये एहतजाज इसीलिए हुआ और इस एहतजाज में फैसला हुआ कि फ्रांस की जो भी चीज़ होगी उसको उसका बायकॉट यहाँ करेंगे, पूरी दुनिया में मुसलमान करेंगे, उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पर बायकॉट करेंगे। और जो यूट्यूब पर आते हैं जो फ्रांस की मसनूआत हैं बाकी चीज़ें हैं और यूट्यूब का जिसमें एक फिल्म डाली गई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और उसके उसका बायकॉट करेंगे, हम ये गेमें देखते हैं, ड्रीम अलेवन देखते हैं, ये पबजी देखते हैं वगैरह वगैरह, ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए सब प्रोग्राम किया जा रहा है। इसलिए हम पूरे तरीके से पूरे उसूक से ये ऐलान कर देते हैं कि हम इसका बिल्कुल बायकॉट करेंगे और हम इसका ईंट का पत्थर का जवाब ईंट से दे देंगे, हम कभी भी झुकने वाले नहीं, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं।